नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और देखिए, नीतीश कुमार कल पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर बरसे हैं। पहले तो उन्होंने महागठबंधन के एकता का गुण गाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी और अमित शाह पर जमकर बरसे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है, जो उनकी कूटनीति है, जिस तरीके से वो देश चलाना चाहते हैं, वो हिटलर शाही लाना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। आगे नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उनका बयान आपको सुनाते हैं, क्योंकि वो बयान बेहद जरूरी है आपके लिए सुनना। सुनिए उनका बयान। तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए, क्या अनुभव है इन लोगों का 2021 में पहली बार ये राजनीति में आए, राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया, आज जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है बेचारे, सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप पे एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आकर के क्या बोल दिए? अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं? और यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने यह विकास किया, विकास का कोई काम किया? जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे, और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार। तो सुना आपने नीतीश कुमार यहां पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है, कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।